अब खबर राहुल गांधी को लेकर है। राहुल गांधी एक बार फिर से मुश्किलों में घिर सकते हैं। दरअसल करीब 200 विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर्स ने राहुल गांधी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। राहुल गांधी ने कहा था, वाइस चांसलर्स की नियुक्ति योग्यता और अर्हता को ताक पर रखकर कुछ संगठनों से संबंधों के आधार पर की जा रही। यहाँ पर साझा बयान में कुलपतियों और अन्य वरिष्ठ शिक्षाविदों ने इस आरोप का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि कुलपतियों की नियुक्ति की प्रक्रिया पारदर्शी ढंग से योग्यता के आधार पर हो रही है। अखिलेश शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। अखिलेश जी, राहुल गांधी के संदर्भ में यहाँ पर बात कर रहे थे और अब इनकी चिट्ठी के बाद किस तरह की कार्रवाई इन पर हो सकती है? देखिए, ये सार्वजनिक विरोध जताया गया है इन तमाम वाइस चांसलर की ओर से। इसमें कई प्रमुख शिक्षा भी शामिल है, कई ऐसे संस्थान हैं जो कि संगीत नाटक हो, चाहे साहित्य अकादमी हो, चाहे एनसीईआरटी हो, नेशनल बुक ट्रस्ट हो, पीआईसीटी, इन तमाम के प्रमुखों ने भी इस पत्र में दस्तखत किए हैं और करीब 180 दस्तखत इस पत्र पर किए हैं। इनमें कई प्रमुख विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर शामिल हैं, कई पूर्व वाइस चांसलर हैं और इसके साथ साथ इसमें प्रमुख जो शिक्षाविद हैं वो भी शामिल हैं। इन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी का ये बयान आया था, इसमें बार बार ये कहते हैं कि विश्वविद्यालयों में क्या हो रही है वाइस चांसलर की, वो मेरिट को और योग्यता को ताक पर रखकर जो है कुछ संगठनों के साथ रिश्तों के आधार पर की जा रही है। तो इसको लेकर के उन्होंने कड़ी आपत्ति की है। उन्होंने कहा कि जो भी नियुक्तियां हो रही है वो मेरिट के हिसाब से हो रही है, पूरे पारदर्शी तरीके से की जा रही है और साथ ही योग्यता है उनको ध्यान में रखकर की जा रही है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जो भी ग्लोबल रैंकिंग आई है वो ये बताती है कि भारत के जो विश्वविद्यालय है उनमें किस तरह से पिछले कुछ वर्षों में सुधार आया है और शैक्षणिक स्तर जो है वो अध्यापन का वो काफी सुधरा है। तो ये सब बातें बताती है कि जो कामकाज हो रहा है, जो नियुक्तियां हो रही हैं वो बिल्कुल पारदर्शी ढंग से हो रही है, इसमें नैतिकता का ख्याल रखा जा रहा है। तो इस लिहाज से अब ये कहा गया है कि क्योंकि इस तरह का बयान दिया गया है राहुल गांधी की ओर से, तो इसलिए कानून सम्मत जो भी कार्रवाई हो वो उसके खिलाफ होनी चाहिए। जी, शुक्रिया अखिलेश जी आपका। तो यहाँ पर एतराज जो है वो एक तरह से राहुल गांधी के बयान पर जताया गया है। देश के 200 वाइस चांसलर्स ने कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए यहाँ पर ये पत्र जो है वो लिखा है।